बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमजेस किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत यम्मी से डिज़र्ट की रेसिपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। पैन में डालेंगे 2 कप दूध, 1/2 कप चीनी, 1/4 कप मैदा और 1/4 कप मिल्क पाउडर। अब इनको विस्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने मीडियम आंच पे पकाया है। ये मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन और 1 टीस्पून वनीला लहसुन। अब इसको मिक्स करेंगे। मक्खन मेल्ट हो गया है, ये देखेंगे हमारा स्मूथ सा मिक्सचर रेडी है। अब फ्लेम ऑफ करते हैं। अब डिश में पहले बिस्किट लगाएंगे। अब इसके ऊपर ये मिक्सचर। अब दोबारा से एक बिस्किट की लेयर। अब दोबारा से इसके ऊपर ये मिक्सचर। अब इसके ऊपर थोड़े से चाप किए हुए बादाम पिस्ते डालेंगे। और थोड़ी सी कोकोनट। अब इसको 1/2 घंटा फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और थोड़ी सी सेट हो जाए। अब बोल में डालेंगे 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम, 1/2 कप अच्छी तरह से बीट करेंगे। आधा घंटा हो गया, ये पुडिंग हमारी सेट हो गई है। अब इसके ऊपर ये व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। क्रीम को मैंने अच्छा सा सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर दोबारा से डेसिकेटेड कोकोनट छिड़केंगे और थोड़े से बादाम पिस्ते। अब इसको 3 घंटे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए और फिर इसको सर्व करेंगे। डेजर्ट को मैंने 3 घंटे फ्रिज में रखा था, ये बहुत अच्छा सा ठंडा हो गया है। अब इसको सर्व करते हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।